अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं और इस बार इसकी वजह खुद बाइडन के उलूल जुलूल दावे हैं। दरअसल फ्लोरिडा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जो बाइडन लड़खड़ा गए। पहले तो बाइडन इतने कंफ्यूज थे कि उन्होंने यूक्रेन युद्ध के बजाय इराक युद्ध को महंगाई की वजह बता दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो उस युद्ध के बारे में अपने बेटे की वजह से सोच रहे थे जिसकी मौत इराक में हुई थी। बाइडन ने कहा, लोग महंगाई की बातें कर रहे हैं, महंगाई इस वक्त पूरी दुनिया की समस्या है क्योंकि इराक में युद्ध जारी है। हालांकि इसके बाद बाइडन ने कहा, माफ कीजिएगा यूक्रेन युद्ध। बाइडन ने आगे कहा, मैं इराक के बारे में इसलिए सोच रहा हूं क्योंकि वहां मेरे बेटे की मौत हुई थी। And they talk about inflation. You know, we're dealing with it for a whole second. Inflation is a worldwide problem right now. Because of a war in Iraq and the impact on oil and what Russia's doing, the war in Ukraine. And thinking of Iraq because that's where my son died. Because he died. हालांकि बाइडन के दावे से उलट सच ये है कि उनके बेटे ब्यू की मौत युद्ध में नहीं बल्कि कैंसर से लड़ते हुए साल 2015 में हुई थी। 46 साल की उम्र में ब्यू ने वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री सेंटर में आखिरी सांस ली थी। बता दें कि ब्यू अमेरिकी सेना में एक कैप्टन थे और इराक में बतौर मिलिट्री लॉयर तैनात थे। सितंबर 2009 में वो इराक में एक साल की तैनाती के बाद अमेरिका वापस लौट आए थे। वहीं बेटे ब्यू पर गलत बयान देने के 5 मिनट बाद बाइडन ने फिर से उनका जिक्र किया। इस बार उन्होंने ब्यू का जिक्र महंगी होती दवाइयों पर चर्चा के दौरान किया, लेकिन इस बार उन्होंने सच बोलते हुए कहा, मेरे बेटे की मौत स्टेज 4 ग्लोबाइस्टोमा की वजह से हुई। इसकी दवाइयां काफी ज्यादा महंगी होती हैं। बता दें कि अमेरिका के कमांडर इन चीफ जो बाइडन अमेरिकी इतिहास में सबसे बूढ़े राष्ट्रपति हैं, लेकिन बाइडन लगातार अपने गलत दावों की वजह से आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं। जानकारों का कहना है कि इन गलत दावों की वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।